हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और पोको एक्स थ्री प्रो के अंदर एक्स टी बी वाई का लेटेस्ट एक अपडेट आ चुका है जो कि मैंने यहां पर इंस्टॉल कर रखा है। और पोको एक्स थ्री प्रो के ऊपर ये एक नया रोम है, मी यू आई 13 बेस्ड है। अब इस वीडियो के अंदर आपको मैं इसी रोम के सभी चेंजेस, परफॉर्मेंस और गेमिंग वगैरह के बारे में बात बताऊंगा। उसके बाद जो फीचर्स हैं वो भी चेकआउट कर लेंगे, बट थोड़ा सा शोर झेल सकते हो तो झेल लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको थोड़ा सा शोर सुनाई दे सकता है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट फोन सेक्शन की, बट उससे पहले प्लीज चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करके जाना। तो माय डिवाइस पेज के अंदर आएंगे तो यहां पर आपको XT BUI का लेटेस्ट लोगो अपडेटेड मिलेगा और यही सेम वॉलपेपर यूज किया है जो कि आपको मैं आगे बताता हूं। अब सीधा चलते हैं ऑल स्पेक्स के अंदर, एंड ऑल स्पेक्स के अंदर आपको यहां पर मिलेगा Poco X3 Pro डिवाइस नेम, ऊपर बैटरी कैपेसिटी है और 3GB एक्सटेंडेड रैम आपको मेंशन मिल जाएगी। एंड्रॉइड 12 के ऊपर बेस्ड है और एंड्रॉइड सिक्योरिटी अपडेट जुलाई 2022 से अपडेटेड है। और MIUI वर्जन देखोगे MIUI 13 by XTB टीम और वर्जन है 22.8.1.0 बीटा। और पर्फ का कर्नल रोम के अंदर एज इट इज आपको मिल जाता है। अब साथ में मैं आपको इसके फीचर्स भी चेक करवाता हूं। सबसे पहले वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन का सेक्शन मिलता है और लाइब्रेरी के अंदर आओगे तो एक नया वॉलपेपर मिल जाएगा जो कि है XTB UI टीम का। तो ये आपको नया वॉलपेपर मिलेगा। लॉक स्क्रीन के अंदर वही चेंजेस हैं। डिस्प्ले की बात करेंगे तो यहां पर आपको कलर स्कीम के अंदर सैचुरेटेड, विविड वगैरह वाले ऑप्शंस मिलेंगे। रिफ्रेश रेट वही आपको 60 और 120 स्टैंडर्ड मिलेंगे। और साउंड एंड वाइब्रेशन की बात करें तो कोई हार्मन कार्डन ऑडियो का सपोर्ट आपको रोम के अंदर नहीं मिलता, सब कुछ स्टॉक है। नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के ऊपर आएंगे तो यहां पर आपको स्टेटस बार के अंदर वही सारे ऑप्शंस मिलेंगे और लेटेस्ट MIUI 13 का कंट्रोल सेंटर आपको रोम के अंदर मिल जाता है। होम स्क्रीन के अंदर आपको मैं दिखा देता हूं, ये आपको मिलता है जो है MIUI का कस्टम लॉन्चर जो कि मॉडेड है सिपोलो की ओर से, तो वो वाला आपको यहां पर देखने को मिलेगा जिसके अंदर ऑलमोस्ट सभी ऑप्शंस आपको मिलेंगे। एनिमेशन स्पीड को मैंने फास्ट पे कर रखा है, बाकी डबल टैप टू स्लीप है, फोल्डर बाउंस इफेक्ट है और शेडो वगैरह आप इनेबल कर सकते हो आइकॉन्स की। देन ग्रिड्स आपको यहां पर काफी सारे देखने को मिल जाएंगे, अप टू आई थिंक जो है 9x16 तक मिलते हैं। अरेंज आइटम्स हैं, रीसेंट्स के अंदर iOS स्टाइल आपको मिल जाएगा, बट यहां पर ना कोई ज्यादा चेंजेस नहीं मिलते, सिर्फ और सिर्फ डिसेबल्ड और iOS स्टाइल ही आपको मिलेगा। बाकी शो मेमोरी स्टेटस का ऑप्शन आपको मिलता है और ये वाला रीसेंट्स मेन्यू जो कि आपको आगे भी पता चल जाएगा। अब सिक्योरिटी का सेक्शन आपको यहां पर मिल जाएगा। बैटरी के अंदर कोई नया चेंज आई थिंक आपको नहीं मिलता, सब कुछ सेम आपको मिलता है। और एडिशनल सेटिंग के अंदर आ जाते हैं, सो एडिशनल के अंदर भी आपको यहां पर जो है मेमोरी एक्सटेंशन मिलता है। और स्पेशल फीचर्स की बात करें तो यहां पर भी ऑलमोस्ट सभी जो सेम चेंजेस आपको वो देखने को मिल जाएंगे, तो कोई XT BUI का नया फीचर रोम के अंदर नहीं मिलता। छोटी छोटी चीजें पहले मैं चेक करवाता हूं कि आपको नया क्या मिलता है। तो इंटरफेस आपको सबसे पहले दिखाता हूं मैं कैमरा का। स्टॉक कैमरा का इंटरफेस कुछ ऐसा है, परमिशन मैनेजर है ना, वो वैसे लेटेस्ट अपडेटेड चाइना वाला नहीं मिलता। वीडियो के अंदर आओगे तो आई थिंक 4K 30fps तक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। देन पोर्ट्रेट है एंड मोर के अंदर ये वाले ऑप्शंस आपको एज इट इज वही देखने को मिलेंगे। स्क्रीन रिकॉर्डर के अंदर आपको यहां पर देखोगे फोल्डर बाउंस इफेक्ट मिल जाता है और यहां पर मैक्सिमम 60fps का ऑप्शन मिलता है। एंड कोई नया लेटेस्ट अपडेटेड आपको स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं मिलता, थोड़ा सा ओल्ड ही मिलता है, बट फ्रेश जो है उसका UI चेंज हो चुका है। सिक्योरिटी का जो एप्लीकेशन है यहां पर भी सेम चीजें मिलती है, कोई मॉनेट थीमिंग आपको यहां पर सपोर्टेड नहीं मिलता। और जो थीम स्टोर है वो आपको ऑब्वियसली यहां पर चाइना वाला देखने को मिलेगा, सो चाइनीज थीम स्टोर है। बाकी गैलरी के अंदर भी कोई ज्यादा नया चेंज आपको आई थिंक देखने को नहीं मिलता। अगर हम एडिट के ऊपर जाते हैं तो लेटेस्ट गैलरी भी यहां पर आपको देखने को नहीं मिलती। अब रोम के स्मूथनेस की बात करेंगे तो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन की स्पीड फास्ट एनिमेशन के ऊपर आप चेक कर सकते हो, कुछ ऐसी मिल जाएगी। इवन थोड़ी सी और बेटर हो सकती है मैं बोलना चाहता हूं रोम की ऑप्टिमाइजेशन, बट स्टिल जो रोम के एनिमेशन है वो आपको काफी अच्छे मिल जाते हैं। बट हां, थोड़ा सा माइनर सा आपको स्टटरिंग फील करना पड़ सकता है इस रोम के अंदर एज यू कैन सी। और जो परमिशन मैनेजर है ना वो भी लेटेस्ट चाइना वाला नहीं मिलता, वो भी थोड़ा ओल्ड है, सो आप चेक कर सकते हो कुछ ऐसे एनिमेशन की स्पीड एनिमेशन आपको मिल जाएंगे। और थोड़ा सा मैं स्टटरिंग बोलना चाहूंगा, थोड़ी सी और ऑप्टिमाइजेशन की रोम को जरूरत है। और ये आपको रिसेंट मेन्यू देखने को मिल जाएगा, एज यू कैन सी लेटेस्ट iOS वाला मिल जाता है। बाकी आप इसको डिसेबल करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन आपको रोम के अंदर देखने को मिल जाता है। अच्छा, तो अभी ना कुछ जरूरी चीजें बाकी हैं उसके बारे में बात करेंगे। आपका डिवाइस रोम के अंदर सर्टिफाइड आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि सेफ्टी नेट विदाउट रूट पास है और वाइड बैंड L1 का सपोर्ट है। उसके बाद जो है 3D मार्क के अंदर जो आपको बेंचमार्क्स
से या फिर जो स्कोर्स मिलते हैं वो आप चेक कर सकते हो। ये वाला गेम टर्बो का लेआउट है और यहाँ पे वॉइस चेंजर वगैरह सब कुछ मिलता है। इसको मैंने परफॉर्मेंस मोड के ऊपर सेटअप कर रखा था। इवन अगर आप यहाँ पर गीक बेंच 5 के स्कोर्स देखोगे वो भी आपको गेम टर्बो के साथ में देखने को मिलेंगे, यानी कि सिंगल कोर स्कोर थोड़ा सा वैसे आपको लोअर देखने को मिलेगा और गूगल फोटोज के अंदर कोई भी स्पूफिंग का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। अब इंपॉर्टेंट चीजों की बात करेंगे तो मैक्सिमम जो चार्जिंग स्पीड है 4000 मिली एम्पीयर के आसपास 33 वाट से देखने को मिलती है और चार्जिंग के टाइम में जो डिवाइस है ना वो 42 डिग्री के आसपास चला गया था और जो एक्टिव ड्रेन है वो आप देखोगे ऑलमोस्ट 8-9% पर आर के आसपास मेरे को मिला और जो आइडल ड्रेन है 0.50% पर आर के आसपास है। इसमें मैंने BGMI भी खेला है तो ये एक मिक्स्ड यूसेज है। बैटरी के लिए रोम काफी ज्यादा अच्छी आपको मिलती है और डीप स्लीप भी काफी अच्छे से यहां पर वर्क कर रहा है। सीपीयू थ्रॉटलिंग ग्राफ की बात करें तो 92% तक सीपीयू थ्रॉटल होता है 1,73,000 के आसपास मैक्सिमम GIPS और 1,63,000 के आसपास एवरेज GIPS है। जो ग्राफ है वो थोड़ा सा कंसिस्टेंट टाइप आप बोल सकते हो, तो कुछ ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिल जाता है। गेमिंग की बात करेंगे तो ये रोम में बिल्कुल भी आपको 60 FPS गेमिंग के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। रोम में 90 FPS का ऑप्शन आपको नहीं मिलता, बट 60 FPS के ऊपर आप कैजुअल सी गेमिंग कर सकते हो। थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन की इस रोम को और जरूरत है, थोड़ा सा UI और ऑप्टिमाइज हो सकता है एंड इसके जो अंदर ऑप्टिमाइजेशन है गेमिंग के रिगार्डिंग वो भी थोड़ी बेटर हो सकती है। वैसे मेजर कोई फ्रेम ड्रॉप्स आपको नहीं मिलते, बट स्टिल जो रोम है ना वो थोड़ी और अच्छी हो सकती है, परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर हो सकती है। ये वाली रोम आपको फिलहाल मैं गेमिंग के लिए नहीं रिकमेंड करूंगा और गेमिंग के टाइम में कोई ज्यादा ऐसे मेजर हीटिंग इश्यूज नहीं मिलते, नॉर्मल सा ही टेम्परेचर रहता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।